जय हिंद। वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का घिंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो साथियों, आज भी हम आपके लिए बिहार शिक्षक से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस सेट है उसको लेकर आज आए हैं। तो पहले जो पीछे के लेक्चर हुए हैं सुबह में, वह हिंदी साहित्य से रिलेटेड हुए हैं। अगर आप लोग उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और आज जो प्रश्न लिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एससीईआरटी और एनसीईआरटी लेवल के प्रश्न आज की क्लास में हम लोग करेंगे। मॉडल पेपर देख सकते हैं, मॉडल पेपर कितना है, तो मॉडल पेपर 6 है। तो मॉडल पेपर 1, 2, 3, 4, 5 तक कर चुके हैं। आज की जो क्लास है 6 मॉडल पेपर के साथ होगी। ओके। और दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल से जुड़िए, एक परिवार से जुड़िए, और इस परिवार को बड़ा होने में आप लोग बहुत सहयोग जरूर कीजिए। ओके। तो इसका पीडीएफ अगर आप लोग को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पर जो जो क्लासें होगी वहाँ पर आप लोग की जो जो पीडीएफ होंगे वहाँ पे सब चीज़ मिलते रहेंगे, जानकारियाँ बहुत सारा मिलती रहेगी पढ़ाई से केवल रिलेटेड। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या पहला। यहाँ पे जो साथियों पहला प्रश्न, यहाँ पे जो पहला प्रश्न कर रहा है कि मोरले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो 1909 में कब इसको प्रस्तुत किया गया था, मोरले मिंटो रिफॉर्म को, तो 1909 ईस्वी में इसको प्रस्तुत किया गया था। क्लियर। आगे प्रश्न आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा जो प्रश्न है कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था, हिटलर जो था जर्मनी का चांसलर कब बना था, तो 1933 ईस्वी में बना था। कब बना था, तो 1933 ईस्वी में हिटलर जो था जर्मनी का चांसलर बना था। आप लोग के माइंड में ये जितने सारे प्रश्न करा रहे हैं आप लोग के माइंड में सेव होते जा रहे होंगे और आप लोग को बहुत अच्छी तरीका से याद भी हो रहा होगा। आगे देखिए प्रश्न आते हैं तीसरा। तीसरा जो प्रश्न है कि दांडी अभियान कब प्रारंभ किया गया था, दांडी अभियान कब प्रारंभ किया गया था, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी में, 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा शुरू किया गया था। दांडी यात्रा महात्मा गांधी से रिलेटेड है। ओके। आगे प्रश्न आते हैं चौथे नंबर पे। चौथा नंबर जो प्रश्न है कि विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है, तो विजयनगर नगर जो है ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर जो है यहाँ पे डी सही हो रहा है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो तुरंत आपके दिमाग में होना चाहिए तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। आगे प्रश्न आते हैं पांच। पांच जो प्रश्न है कि भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था, भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो 1832 ईस्वी में हुआ था। भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था साथियों, तो याद रखिएगा आप लोग 1832 ईस्वी में भूमिज विद्रोह हुआ था। ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं जो 6 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तिल शोधक कारखाना किसकी इकाई है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है। तो यहाँ पे देखें तो डी ऑप्शन सही होगा, भारतीय तेल निगम। किसकी इकाई है, किसकी यूनिट है, तो भारतीय तेल निगम इसकी जो इकाई है, इसकी इकाई है कौन सा, तो बरौनी में स्थित जो तेल शोधक कारखाना है वह। ठीक है। आगे प्रश्न आते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो 7 प्रश्न कह रहा है कि सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई है, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई है, उस देश का नाम हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई है। ओके। आगे प्रश्न आते हैं 8 नंबर प्रश्न पे। 8 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 50 लाख रुपए से कम हो, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 50 लाख रुपए से कम है, तो उपभोक्ता जो है किसके पास शिकायत करेगा, उपभोक्ता जो है किसके पास शिकायत करेगा, तो ये जो उपभोक्ता शिकायत करेगा जिला आयोग के पास शिकायत करेगा। किसके पास शिकायत करेगा, तो जिला आयोग के पास शिकायत करेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ए जो है ये सही हो रहा है। आगे प्रश्न देखिए 9।
नौ जो प्रश्न है कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन सा है। निम्न में से कौन सा है आर्थिक विकास की माप के लिए जो इसमें जो प्रति व्यक्ति आय होता है वह जो है आर्थिक विकास की यूनिट माना जाता है, माप माना जाता है, और सबसे सूचकांक जो है प्रति व्यक्ति आय को ही कहा माना गया है। ओके, प्रश्न आते हैं 10 पे। प्रश्न जो 10 है कि दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, बहुत अच्छा लॉन्ग ये जो कविता है ये किसके द्वारा लिखा गया है, इसके लेखक का क्या नाम है। दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, तो ये जो है किन्स के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा, किन्स के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया है। ओके, प्रश्न आते हैं 11 पे। 11 जो प्रश्न है कि राजकोषीय घाटे से क्या तात्पर्य है, राजकोषीय घाटे से क्या तात्पर्य है, तो ये जो ऑप्शन ए है ये सही होगा, कुल व्यय, जिसमें से कुल व्यय में क्या क्या हो सकता है, तो राजस्व प्राप्तियां शामिल है, प्लस में उसको ऋणों की वसूली कर सकते हैं, और विनिवेश से प्राप्तियां, ये जो हो जाएगा राजकोषीय घाटे से घाटे को प्रदर्शित करता है। आगे प्रश्न आते हैं 12 प्रश्न है, यहाँ पे जो 12 प्रश्न है कि बिहार क्षेत्र में आए भूकंपों में सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंप किस वर्ष का था, बिहार में जो भूकंप आया था, तो 1934 याद करिएगा इस डेट को, इस तारीख को जरूर आप लोग याद करिएगा कि बिहार में जो है भूकंप सबसे ज्यादा कब आया था, तो 1934 ईस्वी में आया था, जिसमें से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, बहुत उसमें बहुत ज्यादा क्षति भी, जन माल की बहुत ज्यादा क्षति हुआ था, तो 1934 ये डेट जो है इसे जरूर याद करिएगा। 13 प्रश्न देखिए, 13 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नांकित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो इसमें से पश्चिमी जो चंपारण है ये जो है बिहार का जो है सबसे बड़ा जिला माना जाता है, किसके क्षेत्रफल की दृष्टि से माना जाता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण। ओके, 14 प्रश्न है कि कुंद्रीमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है, कुंद्रीमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क पूछा गया है कहाँ से इसका निर्यात होता है, एक आयात होता है और एक निर्यात होता है, तो मंगलौर से होता है, कहाँ से होता है साथियों, तो मंगलौर से होता है। अगला प्रश्न देखिए 15 प्रश्न है कि दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं, दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं, तो जल डमरू मध्य कहते हैं, क्या कहते हैं, तो जल डमरू मध्य कहते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए 16 प्रश्न करेगी तांबा अयस्कों के लिए विख्यात खेतरी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो खेतरी तो राजस्थान में स्थित है, देखें तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है सही है, तांबा जो है, तांबा अयस्क जो है इसे खेतरी के नाम से जाना जाता है, और पूछा गया है खेतरी कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान शहर में स्थित है। 17 नंबर जो प्रश्न है कि विली विली का क्या अभिप्राय है, अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, सुंदर सा प्रश्न है, विली विली का क्या अभिप्राय है, तो ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यहाँ पे देखें तो ए ऑप्शन सही होगा, ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उसी को विली विली के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए 18 प्रश्न है कि भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है, तो भारत के साथ जो बांग्लादेश की सीमा है इसमें से नहीं है ऑप्शन, ये ऑप्शन यहाँ पे कर लीजिए नन, जो नन होगा यही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी विकल्प जो है यह सही नहीं दिया है, सारा विकल्प क्या है गलत है। ओके, तो ये विकल्प यहाँ पे सही होगा। 19 प्रश्न देखिए, 19 प्रश्न है कि धर्म निरपेक्ष राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है, धर्म निरपेक्ष राज्य के संबंध में गलत पूछा गया है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, तो राज्य का कोई अपना धर्म नहीं, अपना धर्म होता है, ये बिल्कुल गलत बात दिया गया है यहाँ पे, जो यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है कि राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं होता है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, तब जाकर ये विकल्प जो है सही होता, लेकिन कथन गलत दिया गया है, तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पे जो होगा बी सही होगा। प्रश्न देखिए 20 नंबर पे आते हैं,
20 जो प्रश्न है कि स्विट्जरलैंड में महिलाओं को माता अधिकार कब प्राप्त हुआ था, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो 1971 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों स्विट्जरलैंड में महिलाओं को माता अधिकार, तो 1971 ईस्वी में इनको मत देने का जो है अधिकार प्राप्त हुआ था। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 21 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, देखिए कह रहे कि 21 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है, इसमें से देखना है कि सही कथन कौन सा है। तो देखिए तो सी ऑप्शन यहां पे सही होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। बहुत अच्छा सा यहां पे विकल्प दिया है और सुंदर सा यहां पे जो वाक्य है इसको भी व्यवस्थित किया गया, लिखा गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई क्या होती है, पहचाने होती है। तो यहां पे सी ऑप्शन सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर जो है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। बहुत सुंदर सा प्रश्न है यहां पे जो 22 नंबर पूछा गया प्रश्न कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो देखें यहां पे तो बी ऑप्शन जो है यहां पे दोस्तों सही होगा, श्रीमती श्रीयाम्बु भंडार नायको, ये कहाँ की थी, श्रीलंका की रहने वाली थी। तो ये चीज ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा अच्छे तरीका से। अब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपको डेली क्लास में हम करा रहे हैं। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग वहां पे जाकर उसका पीडीएफ ले सकते हैं। ओके तो आइए हम लोग आते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, 23 नंबर प्रश्न पे। देखिए साथियों 23 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 23 नंबर जो प्रश्न करे कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है यह सही हो रहा है। कौन थे दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे पहले, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए 24 प्रश्न है कि यह किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। तो ये जो है अरस्तु के द्वारा कहा गया है कि मानव जो है ये प्राकृतिक रूप से सामाजिक प्राणी है। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखें तो यहाँ पे जो कथन दिया गया है अच्छे तरीका से देखिए, यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत जो है हमारे राजनीतिक जीवन को अनुशासित करता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता समानता तथा न्याय राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणाएं हैं, ये भी सही दिया है। और सी विकल्प कह रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है व्यक्ति को यह प्रशिक्षण देता है कि वह राजनीतिक प्रश्नों के संबंध में तर्कसंगत ढंग से विचार कर सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करे। तो ये यहाँ पे ए ऑप्शन बी ऑप्शन और सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ये सही होगा, ठीक है। आगे प्रश्न आते हैं हम लोग देखिए अगला 26 नंबर जो प्रश्न है कि किसने कहा है कि नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेष अधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और रक्षा करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो सी हो रहा है ये बिल्कुल सही होगा, गेटेल के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा, तो गेटेल के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न देखिए 26, ये तो साथियों कितना प्रश्न था, ये 26 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न पे आते हैं, 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, सिद्धांत दिया है और यहाँ पे प्रेरणा देश दिया गया है। तो देखें तो कौन सा विकल्प जो है यहाँ पे सही होगा। तो देखिए साथियों यहाँ पे मिलान हम लोग कर लेते हैं, 2, 1, 3, 4 ऑप्शन सही हो रहा है, 2, 1, 3, 4 विकल्प सही हो रहा है। मूल अधिकार जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से हुआ है। नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से। और संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका संघ से हुआ है। तो 2, 1, 3, 4 विकल्प जो है सही हो रहा है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये सही हो रहा है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग देखिए 28 नंबर जो प्रश्न है कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। तो इसका आधार वर्ष जो हो जाएगा 2011 से 12 हो जाएगा, कितना होगा, तो 2011 से 12 हो जाएगा। 29 प्रश्न देखिए, 29 नंबर जो प्रश्न है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र की लगभग कितनी भूमि वाद जो है उन्माद है, उन्मुख है, भूमिवाद जो है उन्मुख है, ये प्रश्न में कह रहा है। तो 70% जो भूमि है ये बिहार की वह जो है भूमि उन्माद है। ओके अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे कि
अर्ध विकसित का परिभाषित शब्द क्या होता है? अर्ध विकसित का परिभाषित शब्द क्या होता है? ये थोड़ा सा अजीब टाइप का प्रश्न है। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द होता है निर्धन होता है। क्या होता है दोस्तों? निर्धन। अर्ध विकसित का परिभाषित शब्द निर्धन होता है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर। यहाँ पे जो 31 प्रश्न कह रहा है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो यहाँ पे देखें तो फरिश्ता मंजुकी मनुची अफीफ और इब्र बतूता। यहाँ पे ई कर लीजिए। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही नहीं दिया है। नन जो होगा यहाँ पे सही होगा, क्योंकि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार इसमें से कोई नहीं है। ओके, आगे प्रश्न आते हैं 32 नंबर पे। देखिए साथियों, यहाँ पे 32 नंबर जो प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? प्लासी का युद्ध किस मैदान में हुआ था? तो यहाँ पे देखिए तो बंगाल में हुआ था। प्लासी का युद्ध किस मैदान में हुआ था? तो बंगाल के मैदान में हुआ था। 33 नंबर प्रश्न देखिए, 33 प्रश्न है कि तिलका मांझी का जन्म हुआ था, कब हुआ था तिलका मांझी का जन्म? तो तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1750 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए 34 प्रश्न है कि बिहार राज्य में निम्नतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले निम्नलिखित में इसमें से कौन से हैं? तो इसमें से देखें तो यहाँ पे कोई भी जिला नहीं हो रहा है। नन कर लीजिए। यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। औरंगाबाद भी नहीं है, सिवान भी नहीं है, बक्सर भी नहीं है और दरभंगा भी नहीं है। निम्नतम पुरुष साक्षरता वाला जिला यहाँ पे कोई ऑप्शन में नहीं दिया है। 35 देखिए प्रश्न, 35 प्रश्न है कि महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे महाद्वीपीय जल सीमा के नाम से जानते हैं। महाद्वीप जल सीमा के नाम से जानते हैं। 36 प्रश्न देखिए, 36 प्रश्न है कि कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्ष से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहा है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये। तो काली और कछारी मिट्टिया, काली और जो कछारी मिट्टिया होती है यहाँ पे सैकड़ों वर्ष से बिना खाद के ये क्या है मिट्टिया चलती है। अगला प्रश्न देखिए, 37 प्रश्न है कि बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पे जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 38 प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई थी? तो इनको जो जगह मिला था 2002 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? तो 2002 ईस्वी में मिला था। 39 प्रश्न है कि भारत कैसा राज्य है? तो भारत जो है कल्याणकारी राज्य है। कैसा राज्य है भारत? तो भारत कल्याणकारी राज्य है। 40 प्रश्न देखिए दोस्तों, 40 नंबर जो प्रश्न है कि तिरहुत नहर का संबंध किस नदी से है? तिरहुत नहर का संबंध किस नदी से है? तो गंडक नदी से है। किस नदी से है साथियों? तो गंडक नदी से है। ठीक है, अच्छे प्रश्न है आपके लिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। 41 प्रश्न है कि अंड कैनियन किस नदी में स्थित है? अंड कैनियन किस नदी में स्थित है? तो ये जो होगा कोलोरेडो नदी में स्थित है। किस नदी में है? तो कोलोरेडो नदी में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, 42 प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल को सवाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सवाना कहा जाता है। 43 प्रश्न है कि कुडू के कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? तो यहाँ पे असम की भी नहीं है, अरुणाचल प्रदेश की भी नहीं है, मिजोरम नहीं है, मध्य प्रदेश। ये ऑप्शन कर लीजिए, नन। इनमें से कोई नहीं, इस ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। कुडू कहाँ के लोगों की बोलचाल भाषा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है। 44 प्रश्न कह रहा है कि प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं, नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए और उसका सही क्रम लगाइए। तो देखिए साथियों, यहाँ पे देखें तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। पहला होगा, पहले हम लोग क्या करते हैं, मृदा को खोदकर नरम बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, उसके अंदर बीज बोते हैं। बीज बोने के पश्चात खरपतवार जो होते हैं उसको हटाते हैं। हटाने के बाद प्याज को उखाड़कर निकालना है और इसके बाद प्याज के ऊपरी ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 45 प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये 45 दोस्तों। 45 प्रश्न कर रहा है कि NCEF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी EBS के पाठ्यक्रम के बारे में सही बताया गया है? तो देखें तो यहाँ पे EBS कह रहा है ना, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। EBS का जो पाठ्यक्रम है वह विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। EBS इसी से रिलेटेड है। तो 45 का डी ऑप्शन सही हो रहा है। तो हम लोग आज की क्लास में 45 प्रश्न किए। कैसा लगा आप लोगों को क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा और जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिल से जय हिंद जय भारत।